होली पर ये गलतियां पड़ सकती हैं भारी। नई दुल्हन के लिए है कुछ खास सावधानियां। इकलौती संतान ना करें ये काम। फाल्गुन मास की पूर्णिमा के दिन होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन की पूजा शुभ मुहूर्त पर करना काफी महत्वपूर्ण माना जाता है। मान्यता है कि भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद को हिरण्यकश्यप ने होलिका की गोद में बिठाकर जिंदा जलाने की कोशिश की थी और इस दौरान होलिका खुद ही जलकर खत्म हो गई थी। तभी से होलिका दहन का त्योहार मनाया जाता है। होलिका दहन के पश्चात अगले दिन रंगों का त्योहार मनाया जाता है, जिसे धुलंडी कहा जाता है। पूरे भारतवर्ष में होली बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। इसके साथ ही रंगों का त्योहार होली पूरे देश में उत्साह से मनाया जाता है। रंगों की धूम और पकवानों की सुगंध इस पर्व को और खास बना देती है। लेकिन त्योहारों की मस्ती में होली के दौरान कुछ सावधानियां बरतने की भी सलाह दी जाती है, जिसको अपनाकर अशुभ होने से बचा जा सकता है। आइए क्या है वो सावधानियां जानते हैं। होलिका दहन के दिन आपको सफेद चीजों के सेवन से बचना चाहिए। ऐसा करने से शरीर में नकारात्मक शक्तियों का वास हो जाता है। होलिका दहन के दिन आपको भूलकर आम, वट और पीपल की लकड़ियों को नहीं जलाना चाहिए। होली पर आपको किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को धन लाभ होता है, लेकिन होली पर लड़ाई झगड़ा करने से सुख शांति का माहौल बिगड़ जाता है। ऐसे में माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। लक्ष्मी माँ के नाराज होने से आपको आर्थिक समस्याएं हो सकती हैं। होली पर आपको सभी का सम्मान करना चाहिए। इस दिन अगर आपका शत्रु भी आपके घर आता है तो उसका भी आप अपमान न करें। आपको आदर पूर्वक अपने शत्रु का भी सम्मान करना चाहिए। यदि आप किसी का अपमान कर अपने घर से लौटा देंगे तो आपको इसके कारण दुष्प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। होली पर देर तक सोने की वजह से जीवन में आलस्य भर जाता है। ऐसे में होली के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए। होली पर आपको सुबह स्नान के बाद सूर्य देव को जल का अर्घ्य देना चाहिए। ऐसा करने से नारायण की कृपा प्राप्त होती है। होली पर सूर्य देव को अर्घ्य देने और पूजा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण के चरणों में रंग अर्पित करना चाहिए। आपको होली खेलने के लिए इसी रंग का प्रसाद के रूप में इस्तेमाल करना चाहिए। होली पर भूलकर भी बड़े बुजुर्ग का अपमान न करें। इस दिन बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद से जीवन में तरक्की मिलती है। आपको होली पर सभी बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए और उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। होली पर काफी लोग शराब पीते हैं, जबकि इस दिन ऐसा करना अशुभ माना जाता है। कहा जाता है कि जो लोग नशा करते हैं वो परेशानियों से गिर जाते हैं। इस कारण घर की शांति भी भंग हो जाती है। इसके अलावा नवविवाहिताओं के लिए होली के दौरान कुछ खास सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती है। मान्यताओं के अनुसार नवविवाहिता को पहली होली कभी भी ससुराल में नहीं मनानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर जलती हुई होली सास और बहू एक साथ देखती हैं तो इससे घर में दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। इसके साथ ही ससुराल में पहली होली देखना नवविवाहिता के भावी जीवन के लिए अशुभ माना जाता है। नई दुल्हन को होलिका दहन के पहले कभी भी किसी को शादी का कोई सामान नहीं देना चाहिए। होलिका दहन पर कई जगह पर तंत्र साधना भी की जाती है, इसलिए नई दुल्हन को अपने शादी के जोड़े का कोई भी सामान किसी को नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से आपके लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। अगर आप अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं, तो आपको होलिका दहन की अग्नि को प्रज्वलित करने से बचना चाहिए। इसे शुभ नहीं माना जाता। एक भाई और एक बहन होने पर भाई द्वारा होलिका दहन की अग्नि को प्रज्वलित किया जा सकता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा है आप इन सावधानियों को अपनाकर होली के त्योहार को मंगलमय बनाएंगे। धन्यवाद।